अब ये बिल्डिंग का पूरा सामान प्लम्बिंग आ गया। इधर अपना टाकी हो गया, इधर टाकी है 1000 लीटर का। इधर अपना पूरा फिटिंग है, इधर फिटिंग सब रखा है। ये अपना इधर टूल बॉक्स है, अपना सामान है। इधर सामान प्लम्बिंग का सामान है पूरा, इसमें भी सामान है, फिटिंग है सब। ये पाइप है, 1 इंची, 1.5 इंची, 1.25 इंची, 2.5 इंची, 4 इंची। ये पाइप सब इधर रखा है। अभी इधर का अपना काम चालू है तोड़ने फोड़ने का। ये बाथरूम का, इधर नॉन ट्रैप का तोड़ दिए, इधर मार्किंग हो गया। अभी इधर खड़ू नहीं था, इधर अपना शावर हो गया, इधर अपना डाइवेटर, इधर अपना गीजर। अभी इसका कटिंग वीटिंग करते हैं। इधर अपना नॉन ट्रैप है, इधर अपना कमोड रहेगा, सादा कमोड रहेगा। इधर अपना सादा कमोड रहेगा, इधर अपना फ्लस वॉल रहेगा, इधर 1 इंची का फ्लस वॉल रहेगा। इधर अपना पूरा सीट बैठाने का है। इधर अपना नल का पॉइंट रहेगा बेसिन का। अभी किचन का पाइप का कटिंग कर रहे हैं। इधर नॉन ट्रैप रहेगा, इधर से अपना पाइपलाइन, ये अपना आर ओ का वेस्ट पाइप पानी जाएगा। ये आर ओ का अपना किचन का पाइप जाएगा। ये अपना बोर का पाइप है, ये अपना टाकी का, ये आर ओ का। ये पूरा सामान आ गया, अभी कटिंग करते हैं, आगे का काम करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी ये वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको पूरा अंदर से बाहर से पूरा प्लम्बिंग काम करके दिखाए हैं, पूरा ऑल टू ऑल समझाए हैं। अभी अपना इधर नॉन ट्रैप है, किचन का नॉन ट्रैप। ये अपना जो नीचे आया है, ये आर ओ का पॉइंट है, ये आर ओ का पॉइंट है। क्या था, 1/2 इंची का एल्बो मार के नीचे डाल दिए नॉन ट्रैप में। वो आर ओ का ऊपर पॉइंट हो गया, आर ओ का इनलेट और आउटलेट। ये अपना बोर का और इधर वाला अपना टाकी का। आर ओ का अलग रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, का उसी में से अगर डायरेक्ट देते हैं तो आर ओ साकेट लगा के दे देंगे, लेकिन क्या होता है अच्छा नहीं दिखता है। अगर दोनों अलग अलग रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी इधर अपना एक बेसिन का है, बेसिन का पॉइंट, उधर अपना एंगल कॉक, इधर नीचे नॉन ट्रैप। अभी देखिए इधर अपना 1 इंची का लाइन आया है, 1 इंची का लाइन इधर आया, इधर से टीम आ रहे हैं। इधर अपना फ्लस वाल है 1 इंची का, ये पूरा पाइपलाइन 1 इंची का है। इधर से अपना एम सील मार के सीट में डाल दिए हैं। क्या होता है, सीट में अगर एम सील मारेंगे ना तो दिक्कत नहीं रहेगा कभी भी। एम सील अगर सीमेंट लगाएंगे तो छोड़ने का संभावना रहता है, लेकिन एम सील लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसका लाइफ भी ज़्यादा है और कभी छोड़ेगा भी नहीं। अभी बाथरूम का फिटिंग कर रहे हैं। अभी बाथरूम का अपना डाइवेटर है, हाई फ्लो डाइवेटर है। क्या 1 मंजिल में हाई फ्लो लगाना चाहिए, और दूसरा मंजिल है, 2 मंजिल, 3 मंजिल है तो उसमें लो फ्लो लग सकता है, लेकिन हाई फ्लो लगाएंगे तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। अभी टेपनल टेप लगा रहे हैं। टेपनल टेप का भी आगे के साइड में लगाना चाहिए। क्या होता है, कोई आदमी पीछे के साइड में लगाता है, लेकिन आगे के साइड में लगाएंगे तो कोई, अभी क्या होता है, थ्रेड उसमें टाइट होता है ना, तो आगे की तरफ लगेगा तो अपना टेपनल टेप आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, अंदर चला जाता है। और पीछे की तरफ लगाएंगे, अपने तरफ आगे की तरफ लगाएंगे तो सही रहेगा, अपने तरफ लगाएंगे तो टाइट करेंगे तो पीछे फेंकते जाएगा। अभी टेपनल टेप लगा रहे हैं डाइवेटर में। डाइवेटर का अभी लगा के दिखाते हैं आपको, अभी प्राइस भी बताएंगे कितने का पड़ा है। बेनिलो कंपनी का डाइवेटर है, बेनिलो कंपनी का। क्यों, एक्चुअली महाराष्ट्र में बेनिलो इधर चलता है ज़्यादा, बेनिलो कंपनी का। इसमें टोटल 4 ब्रास सेम्टी लगता है। ये
इसमें टोटल चार ब्रास CMTA लगता है, पौना इंची का, 3x4 का। हल्का हल्का उस पर सुलेशन लगा देंगे, टेपनल टेप लगाने के बाद हल्का सुलेशन लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, उससे डबल मजबूती मिल जाता है। एक तो टेपनल टेप, उसके बाद सुलेशन, इसमें डबल डबल इसका जोड़ मिल जाता है, मजबूती ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी भी लाइफ में कभी लीकेज का संभावना रहेगा नहीं, 100% नहीं रहेगा। पहली बात, डायवेटर में कभी भी लगाएं तो ब्रास CMTA लगाएं, ब्रास अंदर कभी भी अंडरग्राउंड है, कैंसिल फिटिंग है, तो उसका ब्रास CMTA, ब्रास FTA का उपयोग करें। अंदर अगर अंडरग्राउंड है तो ब्रास CMTA FTA का प्रयोग करें। अभी टाइट कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या है कि अपना शावर का और स्पाउट का और गीजर का तीनों अपना CPVC है, और जो टाकी का आएगा उसके लिए UPVC ब्रास CMTA लगा है। UPVC इसलिए लगा है कि इसका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, लेकिन क्या मालिक का हम बोले थे कि अगर CPVC लगाएंगे, अंदर का पूरा CPVC लगा दीजिए, बाहर से अपना UPVC कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो बोले कि नहीं, अंदर वो टाकी वाला UPVC करो और ये गर्म वाला CPVC कर दो, लेकिन क्लाइंट का मर्जी चलेगा, हम क्या कर सकते हैं, पैसा तो उनको लगाना है। अभी टाइट हो गया अपना, टाइट होने के बाद इतना टाइट करना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी ना, ज़्यादा और कम भी टाइट मत हो, बाद में लीकेज का दिक्कत नहीं रहे। कम टाइट करेंगे तो छोड़ देता है। अभी टाइट कर रहे हैं अपना, पकड़ से टाइट कर रहे हैं। अभी टाइट हो गया अपना, अभी दीवार में इधर लगेगा, झीरी भी पूरा कंप्लीट है। झीरी पहले भी काटेंगे ना, अगर पहले ही झीरी परफेक्ट काटते हैं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं रहता है, नहीं तो बाद में लेवल लगाएंगे ऊपर सावर से और डाइवर्टर से लेवल साउट लगाएंगे तो दिक्कत होगा, सावर और स्पाउट लेवल में अपना नहीं दिखेगा, सामने सामने नहीं दिखेगा। अभी कटिंग करना था हल्का सा पाइप में, अभी कटिंग नीचे अपना नॉन ट्रैप लग गया, ऊपर हल्का सा कटिंग करना था, अभी कटिंग पूरा फाइनल हो गया। और डाइवेटर के अंदर का हल्का बैठता नहीं है, तो डाइवेटर के अंदर का डाइवेटर जहाँ बैठाते हैं ना, वहाँ पे हल्का सा डाउन चाहिए दीवार में, ज़्यादा वहाँ पे दीवार में ज़्यादा तोड़ना पड़ता है। अभी देखिए तोड़ दिए, अब क्या होता है, एल्बो का जगह होता है ना कोना कोनी, वहाँ पे परफेक्ट तोड़ना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर फिटिंग करते समय तोड़ना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट जाता है, टाइम भी जाता है और मज़ा भी नहीं आता है काम करने में। अभी डाइवर्टर लगाते हैं, अभी डाइवर्टर अपना पूरा लग गया, आपको डिटेल बताते हैं कैसे कैसे लगा है। अभी देखिए पूरा लाइन अपना सीधा दिख रहा है, ये अपना डाइवर्टर है, इधर अपना डाइवर्टर हो गया, ये अपना स्पाउट हो गया नीचे, इधर से एल्बो मारे, इधर से UPVC एल्बो 1/2 इंच का, इधर ब्रास टी दिए हैं, क्या होता है डाइवेटर सबको यूज नहीं कर पाएगा इसीलिए एक ब्रास टी दे दिए हैं, इधर से अपना 1/2 इंची का टी मार के फिर इसमें सुबेंड मारे हैं, इधर सुबेंड 4 लगाए, फिर इधर अपना गीजर का पॉइंट हो गया, इधर अपना गीजर का पॉइंट हो गया, इधर से अपना एल्बो मार के बाहर निकाल दिए हैं, इधर अपना ऊपर सावर हो गया। देखिए ऊपर सावर से और डाइवर्टर से और ओलंबा गिराएंगे तो ओलंबा सही होना चाहिए, लेवल सही रहेगा तो अपना फर्सी भी एक नंबर बैठेगा पूरा सेंटर में। ये अपना गीजर हो गया, गीजर का डिसेंट है अपना 6.5 इंची और नीचे से 6.5 फीट, ये अपना बाहर सोलर के लिए निकाल दिए हैं, ये अपना नॉन ट्रैप हो गया बाथरूम के लिए। अभी बाहर चलते हैं, बाहर दिखाते हैं आपको काम का। अभी बाहर का काम चालू कर दिया, इधर अपना संडास का पाइप है 4 इंची का,
ये अपना इधर क्लिप मारते हुए एयर के निकाल दिए हैं ऊपर। क्या ऊपर से छत से अपना 4 से 5 फुट ऊपर निकालेंगे ना, तो कोई आदमी हवा लेने के लिए आएगा तो ऊपर छत पे घूमने के लिए, तो उसमें बदबू नहीं जाएगा। इधर अपना 4 इंची का टी मारे हैं, डो रोटी 4 इंची का डो रोटी मार के इधर से ये वाई मार के डोरेल मार के ये टाकी में चला गया अपना। अभी आधा काम हुआ है, आधा और बाकी है वो भी करते हैं, वीडियो में बने रहे। अपना ऊपर से बाथरूम का पाइप जाएगा इधर से डाउन, इधर से होते हुए इसका नीचे उतार देंगे, ये ऊपर अपना एयर के लिए हो गया। यहाँ से उतरेगा और यहाँ से ये उतर जाएगा और वे वाला यहाँ से उतर जाएगा, यहाँ से नीचे नीचे करते हुए अपना इधर छोड़ देना का है। कहाँ कि इधर सीवर लाइन है नहीं है, तो अपना संडास का टाकी के लिए सोखता बनाए, लेकिन इसके लिए पीछे छोड़ना है, बाद में अगर सीवर लाइन बनेगा तो उसका पाइप लाइन आगे से ला के डालना है। ये अपना अभी अपना एयर के लिए ऊपर उठ गया, 2 इंची 4 इंची दोनों 2 इंची 4 इंची दोनों उठा दिए। ये अपना इसका अगर टाकी का ओवरफ्लो और सोखता में डालना है संडास का, और ये अपना बाथरूम का इधर नीचे डाल देना है। उधर अपना वो सोखता बनवाएंगे, गड्ढा खुनाएंगे 3 से 3.5 फीट, उसमें ईंट डाल के वो सोखता बनवाएंगे, वो उनका काम है। अभी दूसरा पाइपलाइन करते हैं, ये अभी पाइप गर्म कर रहे हैं, अभी पाइप को गर्म कर रहे हैं। पाइप को क्या होता है, पीवीसी पाइप पीवीसी सुलेशन को हल्का हल्का लगा देंगे तो गर्म होता है, नहीं तो सॉकेट क्या होता है, सॉकेट भी लग सकता है लेकिन आदमी सॉकेट का यूज नहीं करता है, कम कॉस्ट कम लगता है, डायरेक्ट सॉकेट बना के डायरेक्ट डाल देता है, इस तरह कॉस्ट कम बढ़ जाता है, बजट कम लगता है। जैसा क्लाइंट का मांग रहता है वैसा आदमी काम करता है, अगर सॉकेट लगाना तो सॉकेट लगाता है, नहीं तो गर्म करके चलना गर्म करके लगा देता है आदमी। अभी गर्म कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है, प्लास्टर होने के टाइम अपना ये जो जिसमें लगाने का है वो टूट गया है, इसलिए इसमें डबल गर्म किया जाता है। देखिए गर्म हाथ से ज़्यादा किया जाता है, डबल पाइप इसमें अंदर तक टूट गया है, बारीक आपको दिखाई देता होगा, क्रेक हो गया है, इसको अभी आगे तक ले जाना है, पूरा एकदम अंदर तक गया। अभी अंदर तक लगे इसके लिए अभी डबल डबल सॉकेट लगाना पड़ता था, अभी गर्म करके लगा दिए। अभी देखिए इधर से अपना गर्म करके पूरा लग गया, ये अपना पाइप डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। अभी अपना पूरा बाहर का अंदर का काम लमसम ख़त्म हो गया। इधर अपना बोर का भी बना दिए, ये बोर का चारों तरफ चेंबर बना के बोर का पहले NRB लगाए हैं, फिर MTA, पहले NRB लगाए फिर MTA बरास फिर LO लगा के यूनियन लगा के ये बोर का कनेक्शन अपना हो गया। और बोर का कनेक्शन में एक अपना इधर नल हो गया टाकी का और बोर का, ये सामने और ये प्लेटा के नीचे अपना नल दिए हैं टाकी भरने के लिए और पानपुड़ी लगाने के लिए, दोनों का कनेक्शन कर दिए, जब लगाना हो लगाएंगे वो। अभी अंदर भी बाथरूम का पूरा फिनिशिंग हो गया, अभी ये दो पाइप बचा है, एक 2.5 इंची एक 4 इंची एक अपना 1.25 इंची CPVC, इतना पाइप बच गया है और फिटिंग है कुछ। ये बाथरूम दिखाते हैं आपको, ये दोनों बेडरूम है, एक बेडरूम इधर है एक बेडरूम इधर है। अभी अपना काम दिखाते हैं आपको, अभी देखिए दोनों अपना ऊपर गीजर के लिए हो गया, सॉरी RO के लिए हो गया, किचन यहाँ से यहाँ तक रहेगा,
किचन का सीधा है, ये अपना टाकी का और ये अपना बोर का, दोनों हो गया। ये अपना आरओ का और उसका वेस्ट पानी जाने के लिए। अभी अपना एक आरओ का और उसका इनलेट आउटलेट, ये अपना बोर टाकी का, ये अपना बोर का। चार किचन में चार पॉइंट इसलिए दिया जाता है कि देखने में खूबसूरत लगेगा और फिनिशिंग भी काम दिखेगा आपको। सिंक में भी लग सकता है, लेकिन क्या होता है सिंक में लगाने से कोई पाइप पूरा दिखता है। अगर इनलेट आउटलेट उधर ही है एक ही पास में, तो डायरेक्ट अपना उसका आरओ का वेस्ट पानी का उसमें डाल देंगे और वहाँ पे एंगल करके लगा के आरओ सॉकेट डाल देंगे, झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। ये अपना बेसिन का हो गया, नॉन टॉप इधर डाल दिए और उधर अपना एंगल कॉक का पॉइंट दे दिए ब्रास एल्बो। अभी पूरा मसाला वसाला मार के एकदम रेडी हो गया चकाचक। क्या होता है मसाला वसाला सब हम ही लोगों को मारना पड़ता है। अभी इधर से पूरा मसाला मार के इधर अपना फ्लस वाल हो गया, इधर अपना एक नल हो गया। नल का हाइट अपने सीट से 12 से 15 इंची दे सकते हैं। फिलहाल हमारा ये 15 इंची है नीचे से, और फ्लस वाल भी 15 इंची पे, जो अपना सीट का लेवल है ना, सीट के लेवल से 15 इंची। और यहाँ सीट के चारों तरफ 1.5 इंची छोड़ देना चाहिए, मिनिमम डेढ़ इंची रहेगा तो फांसी लगाने में दिक्कत नहीं होगा। अभी सीट को तत्काल सफाई कर देना चाहिए। सीट को तत्काल सफाई करेंगे तो सीमेंट अच्छा से छूट जाएगा। अब बाद में सीमेंट नहीं छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगा, छूटेगा लेकिन क्या मेहनत करना पड़ता है ज़्यादा। इधर अपना डाइवेटर हो गया, नीचे अपना स्पाउट हो गया, इधर अपना ब्रश टी मार दिए, इधर अपना ब्रश टी हो गया, ऊपर अपना गीजर हो गया। अभी सबका काम ख़त्म हो गया लमसम। अभी ऊपर का टाकी का काम बाकी है, टाकी का काम दिखाते हैं आपको, वो भी काम हो गया है, बस आपको दिखाना है समझाना है। वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। इस वीडियो का लाइक रखते हैं 50 लाइक पूरा कर दीजिए कम से कम इस वीडियो को। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं आपको। ये अपना 1000 लीटर का टाकी है, टाकी का वाटा हम ही लोग बनाना पड़ता है हम ही लोग को। ये अपना टाकी का वाटा है, एक्चुअली ऊपर अपना 7 इंची का पाइपलाइन है UPVC। अभी टाकी से जो इधर टाकी से अपना निकला है वो अपना 7 इंची UPVC पाइपलाइन है। इधर से 7 इंची डाले हैं, कॉक डाल के, यूनियन डाल के, पहले यूनियन है उसके बाद बाल वाल है, टाकी कनेक्शन, यूनियन, बाल वाल, इसके बाद टी मार के दोनों तरफ हो गया है। इसका इधर नीचे चला गया और यहाँ से डाल के यहाँ से ये नीचे चला गया है। ये अपना सीधे बाथरूम में चला गया है, सॉरी इधर अपना किचन है, सॉरी इधर किचन है और एक पार्किंग में नल है, इसका पॉइंट चला गया पीछे। इधर से एल्बो मार के पूरा नीचे डाल दिए, इधर 1 इंची का टी मारे हैं, किचन में होते हुए अपना सीधे अपना पार्किंग में चला गया, बोर का यहाँ से डायरेक्ट उतर गया नीचे। टाकी का बोर का भरने के लिए, टाकी में भरने के लिए कॉक इधर दिए हैं। क्या होता है नीचे प्रेशर चाहिए तो ऊपर भी पानी आएगा, नहीं तो नीचे भी आएगा। अगर एक तरफ चाहिए आपको तो एक तरफ बंद करेंगे, एक तरफ चालू करेंगे तो पूरा भरपूर प्रेशर अपने को एक तरफ मिलेगा। ये अपना बोर का है, बोर का यहाँ से नीचे चला गया है, नीचे से ऊपर आया है। अभी नीचे चलते हैं, बाहर आपको दिखाते हैं।
अभी अपना बाहर का हो गया, अभी बाहर का मसाला वसाला मार के सब रेडी हो गया। देखिए यहाँ से नीचे से अपना पाइप भी इधर डाल दिए जो बाकी था, ये अपना टाकी का पाइप ऊपर एयर के लिए निकाल दिए। इधर अपना कभी भी अगर टाकी का आउटलेट पानी आए तो उसमें टी मारना चाहिए, डायरेक्ट एल्बो मारेंगे तो दिक्कत रहेगा। टी मार देंगे नीचे एंड कैप लगा देंगे तो बाद में कचरा होगा तो यहाँ नीचे जमेगा, अपना पाइपलाइन शावर मिक्सर डाइवेटर में नहीं फंसेगा। ये अपना बाथरूम का पाइप है और एयर के लिए ऊपर निकाल दिए। ये अपना बाथरूम में नीचे से टी मारते हुए इधर अपना नीचे चला गया। छोटी छोटी जानकारी है लेकिन जानकारी का अगर नॉलेज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्या होता है कचरा अक्सर देखते हैं कि नल में कचरा जाम हो गया, किसी का नल जाम हो गया, किसी का मिक्सर जाम हो गया, किसी का शावर जाम हो गया। ये मेन प्रॉब्लम यही रहता है कि डायरेक्ट अगर टाकी से पानी आता है तो डायरेक्ट अपना नल में चला जाता है और नीचे एंड कैप लगेगा, या तो एंड कैप लगा दीजिए या तो कॉक लगा दीजिए। कॉक लगा देंगे तो अपना हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो एंड कैप लगाएंगे तो प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। दोनों ऑप्शन है, या तो आप कॉक लगाइए या तो एंड कैप लगाइए। अगर एंड कॉक लगा देंगे तो अपने हाथ से भी सफाई कर सकते हैं। अब इधर का काम ख़त्म हो गया, पीछे उधर का दिखाते हैं आपको। अब इधर 1 इंची का बोर का पाइप गया है, इधर से बोर का आया है और आगे चला गया है गाड़ी धोने के लिए, आगे गाड़ी धोने के लिए हो गया। इधर से अपना ऊपर चला गया, ये अपना किचन में चला गया, ये अपना किचन में चला गया 1/2 का टी मार के। 1 इंच का इधर भी एंड कैप डाले हैं, देखिए इधर भी एंड कैप है, उधर उधर भी एंड कैप है। इधर से रेडिएशन मार के अपना पार्किंग में चला गया है। दोनों तरफ एयर किल निकाल दिए हैं कि इधर वाई लगाए हैं। देखिए वाई लगाने से क्या फ़ायदा है कि टी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है पानी डायरेक्ट नहीं आता है, आगे और पीछे दोनों जाता है, वाई में केवल आगे जाता है। अभी हो गया काम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट है 50, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।